student coverage. This is Ashi Khan, and in this video, I'm going to review an institution which is known as Bennett University, which is Greater Noida में located है. So a lot of students were asking to review this particular college, but इसमें हम इसका MBA department को review करने वाले हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें इस college के overview के बारे में, 2016 का established university है. Times Group का ये university है, private है. अगर हम बात करें UGC approved है, Greater Noida उत्तर प्रदेश के अंदर located है. वैसे ये बहुत सारे कोर्सेज कराती है, but we'll be talking about their MBA. So अगर हम बात करें MBA किस-किस स्पेशलाइजेशन में कराती है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो जनरल बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, सर्विस मैनेजमेंट एंड मीडिया मैनेजमेंट, इन सभी प्रोफाइल में MBA कराती है. फीस स्ट्रक्चर एज पर कॉलेज की वेबसाइट 7 लाख रुपीज एनुअल फीस है, मतलब पर ईयर की फीस 7 लाख रुपीज एंड हॉस्टल अलग से 1,75,000 मींस अराउंड 9 लाख रुपीज के आसपास. तो ये कॉलेज आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा अगर आप इसका फीस स्ट्रक्चर हिसाब से देखेंगे विद इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड एवरीथिंग 13-40 लाख के आसपास. तो सिर्फ फीस स्ट्रक्चर है, देन उसमें हॉस्टल इंक्लूड कर देंगे, तो ये काफ़ी एक हायर साइड पे पड़ जाएगा व्हेन इट कम्स टू द फीस स्ट्रक्चर. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बेनेट यूनिवर्सिटी में करना वर्थ है या नहीं. बट एक मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको इनकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में. सो अगर हम एडमिशन प्रोसेस इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें MBA के लिए, तो CAT, MAT, NMAT इन सभी का स्कोर एक्सेप्ट करता है. आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है एंड फॉर्म फिल करने के बाद आपका GDPI होता है, जिस बेसिस पे स्टूडेंट्स को इंक्लूड एंड दे इवन ऑफर स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स. सो अगर यू वांट टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप, यू कैन रीच आउट टू द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो अगर हम बात करें हाउ डिफिकल्ट एंड ईजी टू गेट इनटू दिस इंस्टीट्यूशन, सो अगेन I mean, if you have decent academics or decent scores, there is no such compulsion to have 80 percentile, 70 percentile. You can get into this institution for an MBA. If I talk about the curriculum, it's university. बहुत सारे courses offer करती है, student diversity के लिए कि infrastructure is quite good. If I talk about faculties also, they are also good. But again, अगर हम बात करें placements की, which plays a very important role. So मैं placements की बात करती हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं बात करती हूँ MBA के placement. As per college average salary जो है वो 6,03,000 की है. As per college जो average salary है वो 6,03,000 की है, whereas high salary जो है वो 7,05,000 की है. 30 ऑर्गेनाइजेशन ने MBA में पार्टिसिपेट किया है. 2 key recruiters जो है, which includes IBM, KPMG, TCS, Byjus, Infosys, Tata, Berger, ICICI, Zycus, HDFC बैंक, ये सारे रिक्रूटर्स उन्होंने मेंशन किए हैं व्हेन इट कम्स टू देयर प्लेसमेंट्स. सो ये था प्लेसमेंट. तो अगर मैं फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो ROI की तरफ से it will be a very good option. Again, Bennett University Times Group के साथ एक और कोर्स कराती है which is known for banking and finance. तो उससे रिलेटेड भी स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है. तो अगेन अगर आप उस कोर्स में इनरोल करना चाह रहे हैं तो यू जस्ट हैव please connect with the student who is back from pass out and then decide to get into that institution or not. Apart from it, make this thing very sure कि आप ROI को भी consider करें apart from infrastructure and exposure, because you know ये एकदम out of the box ROI के terms में है, तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है. So this was a review about Bennett University. Do not forget to share this video with your friends, because मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जितने भी 20 स्कूल हैं जो एवरेज हैं उनमें मैक्सिमम बच्चे यूपी, बिहार, झारखंड से आते हैं, और उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं छोटे छोटे विलेज से जहाँ पे उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं. उन्होंने गूगल पे सर्च किया टॉप 20 स्कूल, भले वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू क्या नहीं चल रहा हो, बट इन्होंने आप मच आइडिया कि वो 20 स्कूल टॉप में आता है या नहीं आता है. तो आई वॉन्ट यू शुड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लाइव सेशंस में जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा सकते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड. एंड अगेन अगर आप चाह रहे हो कि मैं किसी टॉपिक, किसी कॉलेज की कंपैरिजन में वीडियो बनाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन थैंक यू सो मच.